Game on. Now game on with Kiko. And get your power mode on. If you have not experienced the same, download the game. Available on Google Play. मैडम के लिए गिफ्ट खरीदो तो बहुत अच्छा लगता है। अरे देखो, उसने खन्ना साहब की शर्ट पहनी है, ये चोर है। तुमने खन्ना साहब की शर्ट क्यों चुराई? अरे बजड़ बट्टू, चोर किसे कह रहा है? आज देखो क्या मेरे हाथ पे लिखा है कि मैं चोर हूँ भाई। ए भाई, मदद करो भाई, ये मुझे चोर कह रहा है भाई, मुझे चोर कह रहा है। सॉरी सर, सॉरी, हनी को गलतफहमी हो गई। आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। थैंक यू। अरे ये चोर है, वरना इसके पास खन्ना साहब की शर्ट कैसे आई? ओ चुप कर, ये शर्ट मुझे बॉबी ने दी है। ओए क्या हुआ हनी? ये चोर है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ। हनी क्या हुआ? ये मुझे शर्ट चोर कह रहा है। क्या? अरे ये शर्ट तो मैंने इन्हें 6 महीने पहले गिफ्ट की थी। पर इन्होंने तो बोला कि बॉबी ने दी थी। कोई शक? मैं ही बॉबी हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुमने खुद हमारी मैडम के सैंडल्स चुरा कर पहने हुए हैं। चुरा कर? हाँ, एक मजबूर गरीब लड़की जो इस जमाने में अपनी मर्जी से जीने की कोशिश कर रही है, उसे चोर कह रहे हो? ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अरे अच्छे अच्छों को धूल चटा सकती हूँ। ये सैंडल मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किए हैं। कहते हैं तुम्हारे पैर बहुत सुंदर हैं, सैंडल पहना करो वरना मैले हो जाएंगे। अरे क्यों शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हो? सॉरी मैडम, वो हमारी मैडम जैसे सेम सैंडल देखकर ये कंफ्यूज हो गया। व्हाटएवर, आगे से मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले याद रखना, चोर नहीं मोरनी हूँ मैं पटियाले की। चलो हनी। क्या करता है हनी? अभी हम सब की कंबल कुटाई हो जाती। कोई शक? मेरी बात मानो, वो दोनों चोर ही थे। तुझे आज सब चोर ही नजर आ रहे हैं। अब चल मैडम को गिफ्ट देते हैं। तूने तो कमाल कर दिया भाई, भीड़ के बीचों बीच बचा लिया मुझे। बहुत बहादुर है तू। थैंक यू, थैंक यू। बंद पड़ी गाड़ी हिल नहीं रही है, मेरी ब्लू शर्ट मिल नहीं रही है। ठोको ताली। ओहो, किधर है खन्ना साहब? ऐसे क्यों खड़े हैं? चुईया बिल में जाकर सो गई है, मेरी ब्लू शर्ट कहीं खो गई है। देखा, उस लड़के ने जो ब्लू शर्ट पहनी थी वो खन्ना साहब की ही थी, वो चोर था। लड़का? गुरु एक लड़का एड्रेस पूछने आया था और उसने पानी पिया और चला गया। ओह, ये मेरी सैंडल्स कहाँ चली गई? बच्चों कहाँ चले गए थे? मैडम, हमें एक टॉप बहुत पसंद आया तो हमने आपके लिए गिफ्ट ले लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है सच्ची मुझे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम मैडम। ओह जोरदार, जरा देखो तो, मेरे येलो सैंडल्स नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रखे हैं? मैडम, ड्राइंग रूम में ही रखे हैं। अच्छा, देखो ना, थोड़ी देर पहले ना एक सेल्स गर्ल आई थी और वो तभी से गायब है। देखा, मैंने कहा था ना, वो लड़की भी चोर है। लगता है हनी सही कह रहा है, मैडम की सैंडल्स एक सेल्स गर्ल ले गई, और जब तक खन्ना साहब पानी लेने गए होंगे उस लड़के ने शर्ट चुरा ली होगी। मुक्का मार कर नाक तोड़ देंगे, जानता नहीं है मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर। क्या मैं आपके घर टीवी देख सकती हूँ? टीवी देखने इतनी दूर आई है, ऐसा क्या हो गया? एक कुरियर वाला आया था, टीवी का रिमोट चुरा कर ले गया। मेरे हस्बैंड का मैच आने वाला है, मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर। पैक पैक पैक।
इधर आओ, अपने दिमाग की घंटी को टनटनाओ और बताओ कि किसी ने एक लड़की को देखा है। वो मरीज बनकर आई थी और मेरा स्टेथोस्कोप चुरा कर ले गई। छोटे भाई, कितने सारे लड़की लड़कियां चोर बन गए हैं। बहुत सारे नहीं, वो दोनों ही हैं जो मार्केट में मिले थे। और बहुत स्मार्ट हैं, जो अपनी एक्टिंग से अलग अलग कैरेक्टर बनकर सबको लूट रहे हैं। गेम ऑन नाउ, गेम ऑन विद कीको एंड गेट योर पावर मोड ऑन। इफ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द सेम, download the game available on Google Play। उनको मैडम के सैंडल नहीं चुराना चाहिए था। इधर आओ, तुम्हारी बात के बवंडर से निकलने वाले मतलब का मक्खन क्या है? हमारी चीजें चुराना सही था? कुछ सही नहीं है, वो दोनों चोर हमारे एरिया में ही चोरी कर रहे हैं। चलो दोस्तों, उनको ढूंढते हैं और सबका सामान वापस लाते हैं। तुमने नहीं चुराया तो साबुन गया कहाँ? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ रमेश बाबू, आप नहीं समझोगे। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है। एक टिक्की साबुन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, मुझे तो ये वही चोर लग रही है। कोई शक? कोई शक नहीं है, वो देख मैडम के सैंडल पहने हुए हैं। आएंगे मुझे बचाने, मेरे तरुण दर्शन आएंगे। हम आ गए हैं जानी, हमारे इलाके में चोरी करती हो। जिनकी अपनी दुकानें नहीं होती वो दूसरों की दुकानों में चोरी नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले? ये हे, गुच्छे में तो केले आते हैं मुन्ना। यह तरबूज हमेशा केला आता है। नौर दर सुन्ना नूर दर सुन्ना माधुरी। यह यू आर अंडर अरेस्ट, चलो थानेदार आया है। अरे ये भी तो वही चोर लड़का है ना। पीछा करो। क्या बात क्या बात क्या बात, जब चोरों को पकड़ने का प्लान था तभी स्कूटर नहीं लाए। और ये कहाँ गए? मैं देखता हूँ। जल्दी कुछ कर। हेलो, बाहर निकलो और अपने पेपर्स दिखाओ। इतने मोटे हो, भागते कैसे हो? मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी से हर जगह पहुंच जाता हूँ। वेरी गुड, भागो। अरे दोस्तों, वो चोर अभी अभी एक आदमी की कार चुरा कर उसी से भाग रहे हैं। राइट साइड से भागो। उस बंगलो में गए हैं। कोई शक? शक है या पक्का यकीन है? अरे यकीन है, चलो अंदर। संभाल कर, वो दोनों बहुत चालाक हैं, धोखा देकर भाग न जाएं। अपना हिसाब बराबर बॉबी, मेरी एक्टिंग ने तुम्हें आज बचा ही लिया। हाँ हाँ, लेकिन तूने सुना क्या डायलॉग बोल रही थी मैं? कसम पैदा करने वाले की, मिट्टी में पैदा हुआ और तुझे मिट्टी में ही मिला दूंगा। डायलॉग इसे कहते हैं। कोई शक? ये डायलॉग फ्री में बोलते हो या इसका एक्स्ट्रा चार्ज है? क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। वाह क्या डायलॉग है बॉबी, आज हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, चोरी का सामान कहाँ और कहाँ छुपाएं। मुझे जंगली बिल्ले बहुत पसंद है, लेकिन एसआर के को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
तुम जैसों को पकड़ने में हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल होता है, और तुम्हारी पिटाई करने के लिए हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट। लल्ला, मंगल को पकड़ सके वो इंसान ऊपर वाले ने आज तक बनाया ही नहीं। कभी एसआर के कभी मंगल, एक कैरेक्टर में रहकर डायलॉग बोलना। अरे यार, डायलॉग बाजी करते रहोगे या एक्शन भी होगा? होगा, क्योंकि असली हीरो मैं हूँ। जितनी अच्छे डायलॉग डिलीवरी उतना कमाल का एक्शन। अरे यार, ये तो लगने से पहले गिर गया, इसे तो लड़ना भी नहीं आता। इस खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं और हारना हमने सीखा नहीं। छोटे भाई, इसका तो निशाना भी गलत है। क्योंकि ये एक्टर्स है ना, इन्हें नकली फाइट की ही आदत है। अरे, कट कट कट। सही में क्यों मार रहा है? क्योंकि ये शूटिंग नहीं है। पकड़ लिया ना, मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। इतने अच्छे एक्टर हो, तुम्हें चोर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई शक? हम जो चाहे करें, तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? ये हमारा तरीका है, एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बदले में पैसे मिल जाते हैं और जो चीजें खरीदनी है वो भी मिल जाती है और मजा भी आ जाता है। गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अब जेल की एक्टिंग करना, एक्टिंग भी सुधर जाएगी और चोरी करने की आदत भी। हनी, बनी कहाँ है? मैडम, वो अंदर बेड पर पड़ा हुआ है। हनी, ये कैसी भाषा हो गई है तुम्हारी? वो छोटा भाई है ना तुम्हारा, ऐसे कहते हैं कि बेड पे पड़ा है। हाँ मैडम, बेड पर पड़ा हुआ है तो यही कहूँगा ना कि बेड पर पड़ा हुआ है, सोफे पर पड़ा हुआ है थोड़ी कहूँगा। हनी, पड़ा है नहीं कहते हैं, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लेटा है कहते हैं। देखो, जो बच्चे ना अपने बड़ों से रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो अच्छे बच्चे होते हैं। सच्ची मुच्ची। मैं भी अच्छा बच्चा बनूंगा। गुड, वेरी गुड। पोस्टमैन खन्ना साहब, पोस्टमैन जी आए हैं। अनी पुत्र, रजिस्ट्री होगी, अंदर ले आ। पोस्टमैन जी, आप रजिस्ट्री मुझे दे दीजिए। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैडम ने सही कहा था, रिस्पेक्ट से बात करो तो सब अच्छा बच्चा कहते हैं। एप्पल जी, मैं आपको खा रहा हूँ। अरे पोपट जी, मुझे रिमोट जी दो ना, टीवी जी देखना है। पोपट जी, ये आज इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ करके आया होगा, चलट। पोपट जी, आपको सबसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, फिर सब आपको अच्छा बच्चा कहेंगे। बन्नी जी, पोपट जी को कहो मुझे टीवी जी देखना है। मेरा जी मतला रहा है, परेशान मत कर। ये जी हुजूरी करने से रिमोट जी नहीं मिलेगा, कोई शक? रिमोट जी नहीं दोगे तो मैं भी स्विच जी को ऑफ कर दूंगा। फिर मैं तेरा वो हल करूंगा कि तेरा जी सीधा 4G हो जाएगा, कोई शक? हनी, मैंने तुझे टमाटर लाने के लिए कहा था ना? हाँ, मैं टमाटर जी लाया था, फ्रिज जी में रख दिया है। फ्रिज में ये एक टमाटर रखा था। जोरदार जी, आपने कहा था ना टमाटर लाना, मैं टमाटर जी ले आया, कितने लाने हैं ये थोड़ी बताया था आपने। जा, 1 किलो टमाटर लेकर आ, जा। ठीक है, आप थैला जी दे दो। ये हर चीज को जीजी क्यों बोल रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, अच्छे बच्चे सबको रिस्पेक्ट देते हैं। अरे थैले और रिमोट को कौन रिस्पेक्ट देता है? अच्छे बच्चे। नमस्ते टीवी जी, नमस्ते सोफा जी, नमस्ते डोर जी।
अरे क्या करती हो? तुम्हारी वजह से मुझे लौकी टिंडे खरीदने पड़ रहे हैं। अरे लेकिन हमने किया क्या है लेडी डम्बो? मारो मत। तुम लोगों की वजह से हर चौथे दिन केयरटेकर भाग जाता है। कितना काम करवाते हो, कितने बदतमीज हो, कौन टिकेगा तुम्हारे पास? अरे मेरा नाम भोपू है तो क्या 24 घंटे बजाओगी? इतनी बड़ी स्मगलर हो, नया केयरटेकर ढूंढ लो। अरे हाउस हेल्पर की एजेंसी नहीं चलाती हूँ, स्मगलर हूँ। स्मगलर? मेरा मतलब है स्ट्रगलर। फिल्मों में काम ढूंढ रही हूँ। इतनी महंगी सब्जियाँ हैं, एक स्ट्रगलर भला कैसे खरीदे? भैया कोई केयरटेकर ढूंढो ना। पैसे कहाँ से दोगी? एक स्ट्रगलर के घर तो कोई गधा ही काम करेगा। भैया जी, आपके टोकरे जी में से 1 किलो टमाटर जी दे दो। टोकरे और टमाटर को कौन जी बोलता है? अरे तू तो सच में गधा है। सॉरी गोपी जी, आप मेरी वजह से गिर गई। आपको चोट तो नहीं लगी? आई एम रियली सॉरी। सब्जियों को सॉरी कह रहा है? तुम सब्जियों से इतनी इज्जत से बात कर रहे हो? अच्छे बच्चे सबसे इज्जत से बात करते हैं। मेरे गुंडे कितनी भी बदतमीजी कर ले, ये बिल्ला उससे भी इज्जत से बात करेगा और काम छोड़ के नहीं भागेगा। आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक यू। वैसे आप है कौन? ये डम्बो है, लेकिन शक्ल से तो डम्बो नहीं लगती। मेरा नाम लेडी डम्बो है। मेरे लिए नौकरी करोगे? मुझे तुम जैसे संस्कारी केयर टेकर की जरूरत है जो सबको रिस्पेक्ट दे। नहीं जी, मैं नौकरी जी नहीं करता डम्बो जी। अच्छा, मुझे लगा आप अच्छे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं। मानता हूँ। तो मैं भी बड़ी हूँ, मेरी बात भी माननी चाहिए ना? वो क्या है ना, मेरे घर में बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, पर कोई उनका ध्यान ही नहीं रखता। पता है वो 200 साल की हो गई हैं। अच्छा? हाँ, पर मेरा कोई भी आदमी उन्हें इज्जत नहीं देता, इसीलिए वो सब दुखी हैं। क्या तुम चलकर उनसे रिस्पेक्ट से बात करोगे? ठीक है, मैं दूंगा उनको इज्जत। नदी किनारे मेरा गोडाउन है, चलो। यानी को जितना टाइम टमाटर खरीदने में लगा है, उतनी देर में तो मैं टमाटर उगा देता। कोई शक नहीं यार, वो हर चीज को झुककर इज्जत दे रहा है, इसलिए देर लगी होगी। भैया हनी नहीं आया? हाँ आया था, लेकिन एक लेडी उसे केयरटेकर की नौकरी के लिए ले गई। हनी अपनी केयर नहीं कर पाता तो केयरटेकर क्या बनेगा? मुझे ना वो औरत ठीक नहीं लगी, अपने साथ काम करने वाले को मार रही थी। बोलती है स्ट्रगलर है, पर केयरटेकर चाहिए। कौन थी वो? पता नहीं, नदी किनारे उसका गोडाउन है, वहीं ले गई है हनी को। पुपट, वो गधा किसी मुसीबत में न फंस जाए, चल जोरदार को भी वहाँ लेकर चलते हैं। ये रहा मेरा गोडाउन, आओ। नमस्ते। वाज साहब नमस्ते, आज से मैं आप सबका ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये सब तो बहुत पुरानी है, सॉरी बड़ी है। नमस्ते मूर्ति जी। अरे एंटिक टेबल जी भी है, ये कहाँ से मिली? मेरी बुआ है ये टेबल, बुआ जी कहना चाहिए। मैं टकला मार के इसकी नाक तोड़ दूंगा। कंट्रोल, ऐसा गधा दूसरा नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं, ये पास्ता बनेगा तो खाने भी नहीं देगा, उसको अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करने के लिए कहेगा। शट अप, आज रात को कंसाइनमेंट भेजना है, ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम सामान का ध्यान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ लूट लो। ऐसे कैसे लूट लो? मेरे बड़े बुजुर्गों से इज्जत से बात करिए जी। इनकी तो
अरे भोपू नाम है इसका, ये मतलब नहीं कि तू भी बजा डालेगा। सॉरी भोपू जी, मैं तो बस बता रहा था कि दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, एक पर एक फ्री, केयरटेकर के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मिल गया। यहाँ क्या कर रहा है हनी? बड़ों का ख्याल रख रहा हूँ। अरे ये लोग कौन हैं? भोपू जी, ये मेरे दोस्त लोग हैं। अरे ये बुरे लोग हैं, ये एंटिक चीजों के स्मगलर हैं। कोई शक नहीं पोपट, एंटिक चीजों की शौकीन है डम्बो जी। अरे गधे, शौकीन लोग एंटिक चीजें घर में सजाते हैं, गोडाउन में छुपा कर नहीं रखते। पकड़ो इनको। नहीं बड़े भाई रुक जा, ये अच्छे लोग हैं। और तू गधा है। थैंक यू बोलो, आपको बचा लिया। रुको, ये बिल्ला कुछ ज्यादा ही समझदार है। सही पहचाना, मैं ही स्मगलर डम्बो। अब ये कंसाइनमेंट जाने तक तुम सब मेरे कैदी हो। डम्बो जी, मैंने आपकी मूर्तियाँ जी और वास जी बचाए और आप मुझे दंड दिखा रही हो। ये क्या सुबह से जीजी लगा रखा है? मैडम ने कहा था सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ओह, तो ये बात है। हाँ। अरे इंसानों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सामान से नहीं मेरे भाई। और इन जैसे स्मगलर्स को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तू इतना भोला क्यों है हनी? इस भोपू को तो मैं बजाऊंगा। छोटे भाई, तुम लोग क्या एक लेडी पे हाथ उठाओगे? हाथ नहीं लगा सकते, कैप तो लगा सकते हैं। अब स्मगलर जी का क्या करना है? स्मगलर रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते। सॉरी, पर इनका करना क्या है? इंस्पेक्टर पांडा को खबर करो, उनके लिए गिफ्ट है। दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? मैं स्मगलर्स की बात कर रहा हूँ और तू बीच में गिफ्ट घुसा रहा है। ये रिस्पेक्ट देने वाली टोन में ही सही था, कोई शक? सही कह रहे हैं पोपट जी।